नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, Primes 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के डूंगरपुर से है, जहां सकल जैन समाज के अध्यक्ष, सेठ, प्रतिनिधि एवं सदस्यों के नेतृत्व में अनूप मंडल के विरुद्ध जांच करवाकर शीघ्र प्रतिबंध लगाने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। सकल जैन समाज द्वारा मांग की गई है कि अनूप मंडल पर पूरे राज्य एवं पूरे देश से शीघ्र प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही अनूप मंडल को संरक्षण देने वाले लोगों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाए एवं जैन समाज के साधु साध्वी जो कि विहार करते हैं एवं पिछले कुछ समय से निरंतर उनके साथ दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके भी विस्तृत जाँच कराई जाए। जैन समाज के साधु साध्वी के विहार के दौरान उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। जैन समाज के विरुद्ध अनूप मंडल द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार से पूरा जैन समाज काफ़ी व्यथित है। पूरे देश के जैन समाज में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है तथा इस सारे मामले की CBI जांच करवाकर जैन समाज के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। इस अवसर पर सकल जैन के 19 इकाइयों के अध्यक्ष, सेठ एवं सदस्य तथा प्रतिनिधि एवं सदस्य उपस्थित रहे। Primes 24 के लिए मनीष सेवक की एक खास रिपोर्ट। मंडल एक जैन विरोधी संगठन है और वो ग्रामीण क्षेत्रों में और भोले वाले लोगों को भड़का के और जैन धर्म के विरुद्ध लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। अनूप मंडल दुष्प्रचार करता है कि दुनिया में जितने भी जो ये कोरोना आ रहा है या कोई तूफान आ रहा है या कोई भी महामारी आ रही है तो उसके पीछे जैन धर्म का हाथ है और उसके पदाधिकारी जो है वो इतने मतलब भ्रष्ट हैं कि उनको पता ही नहीं है कि जैन धर्म एक अहिंसा पे चलने वाला धर्म है, अहिंसावादी सिद्धांतों पे चलने वाला देश है और इस प्रकार के दुष्प्रचार करके और जो ये संगठन जो हमारे खिलाफ जो एक माहौल खराब कर रहा है उसके लिए हमने एक प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मांग की है कि अनूप मंडल के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाए पूरे राज्य में, इसके अलावा उसकी जाँच कराई जाए, उसके पीछे कौन है और उसका उसको राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है उसकी भी जाँच कराई जाए और हमारे जो साधु साध्वी हैं जो निरंतर विहार करते हैं और उनके साथ में लगातार जो एक्सीडेंट्स की घटनाएं हो रही हैं हमको ये आभास होता है कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीछे एक बड़ा संगठन लगा हुआ है। तो हमारे साधु साधी जो विचार करते हैं उनका भी है, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था कराने की हमने आज मांग की है। आज सकल जैन समाज डूंगरपुर जिसमें दिगंबर श्वेतांबर सभी लोग इकट्ठे होकर और कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द है वो अनूप मंडल के खिलाफ प्रतिबंध पूरे देश में लगाया जाए और CBI जांच कराकर और सारी जो वास्तविकता है वो सामने लाई जाए।